दिया क्या है, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स कौन कौन सी ली है, एक तो ए बी ले ली और दूसरी कौन सी ले ली, सही है। तो और मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, ये जो कॉर्ड्स हैं दीज मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। देखो एक डायमीटर है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है, ये डायमीटर है और ये दोनों कॉर्ड्स क्या इस डायमीटर से इक्वल एंगल बनाती हैं, ये चीज क्या है, डायमीटर। और ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं कॉर्ड्स के, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, सो टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स जो कि एक ए बी है और दूसरी कौन सी है सी डी, दे मेक इक्वल एंगल्स, किसके साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, विद द डायमीटर, ठीक है। अच्छा डायमीटर को इन्होंने क्या कहा बताइए, पी क्यू, ओके, डायमीटर इज पी क्यू, इतनी बात तो दी है। तो अगर वो इक्वल एंगल बना रही हैं, सिर्फ इतना ही दिया कि इक्वल एंगल बना रही है, तो आपको प्रूव क्या करना है कि वे कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ की होंगी, अगर इक्वल एंगल बना रही हैं तो वो इक्वल, सही है ना, यही जो दो कॉर्ड्स हैं गिवन क्या है, इक्वल एंगल बना रही हैं। प्रूव क्या करना है कि अगर इक्वल एंगल बना रही हैं तो इक्वल है, ये प्रूव करना, इसके लिए हम इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सही है। चलो बात समझ आया भाई, क्या कौन सी वो, तो कौन सी थ्योरम थी ऐसी कि एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द कॉर्ड एट सेंटर, वो तो एट सेंटर था ना, सेंटर पे काम कर रही कॉर्ड का, पूरी कॉर्ड का एंगल सबटेंड करना अलग बात है, ये पूरी कॉर्ड का किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करना, कॉर्ड थोड़ी ना कर रही, वो मेक इक्वल एंगल है, यहाँ कोई सबटेंडेड है ही नहीं कुछ, कॉर्ड थोड़ी ना सबटेंड कर रही कहीं, ये एंगल सबटेंड कर रही, कॉर्ड इज मेकिंग इक्वल एंगल है। चलो जमा करें बाकी लोग, गिवन क्या क्या है, गिवन ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड ऑफ सर्कल, और क्या दिया है, दैट इज ए ई क्यू, ए ई क्यू किसके इक्वल है, ठीक है, ए ई क्यू भी ले सकते हो या ए ई ओ भी ले सकते हो, तो कुछ भी ले सकते हो, एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल टू प्रूव, निखिल प्रूव क्या करना चाहते हो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अब प्रूफ देखें, बाकी लोग जमा करो तो फिर आगे का बताएं, अदरवाइज कीप इट एसाइड जिससे कि पता चल सके, ठीक है, समझो गलत देख लीजिए एक बार, ज्यादा चला देखो, टू कॉर्ड्स देयर आर द टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, एक ए बी है और एक सी डी है, ये आपस में कट कर रही हैं, लेकिन ये अपने बीच से जाने वाले डायमीटर के साथ, बीच से डायमीटर जा रहा है, याद है, इससे इक्वल एंगल बना रही है। टू, देखो जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट करना, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स विद डायमीटर, देन प्रूव दैट दीज आर इक्वल इन लेंथ, रिपीट करो, किसके साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, विद डायमीटर, देन दीज कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, समझ आए, रिपीट करिए अदिति, इंटरसेक्ट नहीं, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स, किसके साथ, then prove that these two cords are equal, repeat karo, if two intersecting
इक्वल एंगल्स, देखो इक्वल एंगल्स लिखा है, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो अब हम इसको प्रूव करेंगे, ये हमारे पास सेंटर ओ है, सेंटर ओ से इस पर परपेंडिकुलर डालो और इस पर एक परपेंडिकुलर डालो, एक परपेंडिकुलर का नाम डालो ओ एन और दिस इज ओ, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एल परपेंडिकुलर टू ए डी, ओके। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, नाउ इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई, नाउ अदिति कौन कौन से प्रूफ करो, एंगल ओ एल ई इज इक्वल टू एंगल ओ एम ई Each 90 given, या by construction, by construction तो हमने बनाया ना, given तो माने, और बोलो, OE is equals to OE, that is common, और बोलिए, angle LEO is equals to angle MEO given. और बोलिए यहाँ से शुरू करो, तुमने साइड कौन सी लीजिए वाली ना, तो ए ए एस, ए ए एस बाई ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ओ एल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O M E, आगे बोलिए, by C P C T क्या हुआ? L E is equals to L E किसके इक्वल हो गया बताइए? ऐसे क्यों कर रही हो? By C P C T O L को O M के इक्वल करो ना। और ये तुम्हें ये थ्योरम नहीं बताई गई, इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर देन दीज आर इक्वल इन एल, ये हमने नहीं बताई ना, ये लगानी पड़ेगी, मैं करा उसी का कन्वर्स है, तुमको 9.5 तक कराया, उसका उल्टा भी सत्य है, एक है कि लेंथ इक्वल हो तो सेंटर से बराबर दूरी पर है, इसका उल्टा करो, बराबर दूरी पर है तो उनकी लेंथ भी इक्वल हो, ये लिखवा दे ना फिर प्रूव करा दे, 9.5 थ्योरम क्या है बताओ, थ्योरम 9.6 यही प्रूव हो गया, अच्छा यही हमें प्रूव ही करना है ना कि इफ दीज आर इक्विडिस्टेंस दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया, और इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंस वो नहीं दिया है, उसको कर लिखो, वो ऐसे लिख दिया, खुद प्रूव करो, पढ़ो पर थ्योरम 9.6 हम लोग कर लेंगे, क्या बताइए, और इक्विडिस्टेंस और सब कर लेंगे, इक्विडिस्टेंस थोड़ी है, ये इक्वी एंगुलर है, कॉर्ड्स इक्वी एंगुलर फ्रॉम डायमीटर आर इक्वल इन लेंथ, ये अलग थ्योरम, और ये कौन सी है, इक्विडिस्टेंस, दो अलग अलग चीजें होती है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, चलो तो अब आप क्या करेंगे बताइए, ये मान लो ये सही है, अभी हम करा तो देंगे, तो अब इसके आगे सीपीसीटी से क्या लोग बताओ, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एन, तो नाउ इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर देन दीज आर इक्वल इन लेंथ, एज वी नो बाय थ्योरम 9.6 दैट chords equidistant from center are equal in length, so AB is equals to OL किसकी दूरी CB, मानना एक बार देखो, मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले इधर परपेंडिकुलर डालो, इधर डालो, ठीक है, एक एक एंगल 90 90 हुआ,
एक एक एंगल गिवन है और एक कॉमन, तो कैसे करोगी ए ए एस ए ए एस, सही है? तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसकी सी पी सी टी से ओ एल ओ एम ले लो, क्या इनकी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है, तो वो इक्वल लेंथ की हुई, वो उधर हम करा देते, सही है, वो हम करा देते। चलो अब देखो इसमें क्या लो, वही फिगर से एक ऐसे ले लिया, कैसे ले लिया, गिवन क्या है, इसकी जो सेंटर से दूरी है इसकी सेंटर से दूरी है, क्या ये इक्वल है, क्या ओ एल ओ एम के इक्वल है, अब प्रूफ क्या करना चाहते हैं बताओ, ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन क्या है ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, और ये भी गिवन है कि ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये चीज तो गिवन है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, और हमें मानिए प्रूव क्या करना है बताओ, है ना। अच्छा इसके पहले जो तुमने थ्योरम की थी उसमें था ए बी सी डी इक्वल थे, अब प्रूव करना था कि उनके सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, अब इसका तुम कन्वर्स कर रहे हो कि सेंटर से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो प्रूव करो कि वो इक्वल इन लेंथ होंगी, सही है। अब इसके लिए हम जैसे तुमने पहले किया था वही काम यहाँ भी करो, इससे मिलाओ और इससे भी मिलाओ, प्रूफ देखिए, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, अब इन ट्रायंगल ओ एल बी एंड ट्रायंगल ओ एम सी, मान्य कराइए जरा थोड़ा कुछ, angle OLB is equal to angle OMC. OLB is equal to angle OMC. It is each 90 degree. ठीक है. Each 90 degree given. Sir, OB is equal to OC, radii of same circle. It is radii of same circle. And sir, OL is equal to OM given. OL is equals to OM given. कौन सा क्राइटेरिया लगा रही हो? Sir, S, triple S. Triple S कहाँ से एंगल बता रहे हो? Triple S. Sir, RHS. है ना? Right angle, hypotenuse भी तुमने एक ले लिया, दोनों का. और एक साइड ले ली. So भाई, RHS, congruency, criteria. That is triangle OLB is equals congruent to triangle OMC. So by CPCT क्या हो गया? Sir, AB is equals to CM. ऐसे कैसे हो गया? LB equals to CM. हाँ? उसको तो given है वो. LB equals to CM. LB is equals to CM. अब ये लिखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड को जानते हैं, तो इसलिए 2LB किसके हुआ, 2CM, दोनों का 2 लगा दिया, लेकिन 2LB है क्या, दैट इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD, ये हमारी थ्योरम 9.1 है क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अच्छा वो तो 1 2 ये 9.3 है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, इसकी बात समझ में आ रही है, एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने कर लिया है, अब देखो ये तो तुम्हारी बुक में नहीं दिया है तो ये हम कराएंगे नहीं, बस ये स्टेट कराएंगे, ठीक है, एक ये सवाल है, अब एक दूसरी एक्सरसाइज का पहला देखो, दैट इज अगला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
two circle of radii 5 cm and 3 cm intersect at two points. देखो, एक 5 cm का है और एक 3 cm का है. तो ये कितना हुआ? ये क्या 5 cm है और ये कितना हुआ? ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना. एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, उनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस यानी PQ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर. अच्छा, इसे क्या कहोगे? ये क्या? कॉमन कॉर्ड. ये देखो, अगर ये दो सर्कल हैं, ये इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. ये क्वेश्चन है, टू सर्कल कैसे एक आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं? या तो ऐसे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट करें या फिर ऐसे. ये दोनों, इसको क्या कहेंगे बोलो? दीज आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. और अगर मैं कहूं इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट, तब कैसे करोगे? एक और दो, ऐसा हो सकता है? और ऐसा भी हो सकता है कि एक और दूसरा ऐसे. वो तो एक ही बात है, इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स, तो वो तो सब एक ही चीज है. इट इज इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स. बोलो, अगर सारे पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो कोलाइड हो जाएगा. हां, दैट इज वो इंटर सुपरइंपोज हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स. और डज नॉट इंटरसेक्ट वो कौन सा है? एक के अंदर एक कर लो तो भी वो टच नहीं करेगा, और दूसरा कैसे कर लोगे? दैट इज एक ऐसे और दूसरा ऐसे. ये दोनों केस क्या है? ये छू नहीं रहे ना, ना ये इसको छू रहा है ना ये इसको छू रहा. ये तो डज नॉट इंटरसेक्ट है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है. और ये कितने पर है? दो पॉइंट पर. तो हमारे पास दो पॉइंट वाला है. अब तुमसे पूछा क्या गया है कि एक 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का, उनके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. तो क्या आपसे कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछी गई? सो यू हैव टू फाइंड आउट AB. और ये मैं बता दूं कि ये मान लीजिए M पर इट इज इंटरसेक्टेड. चलो, इतनी बात हो गई. तो इस सवाल को दो तीन मेथड्स में बताऊंगा. इस एक्सरसाइज के सभी सवाल चार चार नंबर के. चलो, पहला मेथड देखो. इसमें गिवन क्या है बताओ? गिवन में तो वैसे ही सोल्यूशन है. तो गिवन है PA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और QA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. इतनी चीज दी है, PQ It is equal to 4 centimeter. To find, पता क्या करना है? AB कितने सेंटीमीटर? Solution. Okay. अब जरा देखो कि इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो. ज्वाइन Join PB and QB, दोनों को ज्वाइन कर लिया, भाई बन गया. अब मुझे बताइए कि इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ, दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एक PAQ है और एक PBQ है. ये दो ट्रायंगल, ये ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, दैट इज PBQ. तो अब इसमें देखो, इसकी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करानी है. श्रेया कराओ, PQ इज इक्वल टू PQ, दैट इज कॉमन. लक्षिता, सर एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल AC. आदित्य, आदित्य कराओ,
बोलो आदित्य, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल की कॉन्वर्जेंस प्रूव करानी है। PA is equal to PB. PA is equal to PB. Why is so? Adjacent sides of a kite. इसका रीजन भी तो बताना पड़ेगा। PA is equal to PB तो आपने बोल दिया। Adjacent side of a kite. दोनों पांच पांच हैं। Radii of same circle. और बोलिए। AQ is equal to BQ. AQ या QA is equal to QB. That is radii of same circle. कौन सा criteria होगा? Triple S. यानी आप ये कहना चाहते हैं ये 3 तो ये 3 और ये 5 तो ये 5, क्योंकि एक ही सर्कल है, ये अपने सर्कल की चीज है, वो अपने सर्कल का, तो सर्कल है कि नहीं? तो by triple S congruency criteria, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ. इतनी बात समझ आ गई? ये ऊपर वाला जो PAQ है, ये PBQ से है, ये देखो ये 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3, और ये तो कॉमन आपने बोल ही दिया था, तो हो गया ना ये SSS. अच्छा, इसकी सीपीसीटी लगाओ। क्या सीपीसीटी से तुम ये कहना चाहती हो कि ये एंगल स्टेट पर? सीपीसीटी से क्या हुआ बोलो? भाई सीपीसीटी एपीएम किसके इक्वल है? या एपीक्यू इज इक्वल टू एंगल बीपीक्यू। इतनी बात हो गई? इसे इक्वेशन मान लो। अब तुम इन दो छोटे ट्रायंगल्स की बात करो श्रेया। ये जो तुमको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, किसकी बात? कौन कौन सा बताओ? इन ट्रायंगल पीएएम एंड ट्रायंगल कौन सा लोगे? पीबीएम। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। पीएम इज इक्वल्स टू पीएम, दैट इज कॉमन। पीए is equals to PB. Why it is so? Radii of same circle. और बोलो। पलक। APM is equals to BPM. BPM ये लिख लो by equation 1. Equation 1 में यही तो प्रूव किया था कि चाहे तुम APQ बोलो या APM बोलो, एक ही तो बात है, और BPQ बोलो चाहे BPM, एक ही तो बात है। उन्होंने बोल दिया, रिफर भी नहीं किया। कौन सा क्राइटेरिया लगा रहे हो? S A S S A S, सही है? So by SAS congruency criteria, triangle PAM is equals to triangle is congruent to triangle PBM. अब इसे क्या तक समझ में आया? पहले मैंने पूरे को पूरे के किया, सब सवाल चार चार नंबर के इस एक्सरसाइज, फिर जब पूरा हो गया तो एंगल ले लिया, और एंगल की मदद से और SAS की मदद से ये छोटे दो ट्रायंगल को भी हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब तुमको एक काम और करना है इसमें। ऐसा करने के बाद सही सीपीसीटी लेनी है बस। सीपीसीटी बताओ। बाय सीपीसीटी क्या ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो AM किसके इक्वल हो जाएगा? AM इज इक्वल टू BM, और PME किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल्स टू PMB, सही है? लेकिन अभी इस क्लास के शुरू में ही अदिति ने एक चीज बोली थी कि PMA प्लस PMB क्या होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखीय युग्म है, दीज आर द लीनियर पेयर्स। सो एंगल PMA प्लस एंगल PMA, क्योंकि दोनों एक ही चीज तो है, 180 डिग्री।
तो टू एंगल पी एम ए इज 180 डिग्री, तो एंगल पी एम ए इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री प्रूव हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। मैंने अभी क्या प्रूव किया इतना करके, सिर्फ यही प्रूव किया कि पी क्यू ए बी का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है। सो व्हाट इज पी क्यू? दिस इंप्लाइज पी क्यू इज परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? कौन कौन सी चीजें थी बताओ? एक सर्कल था और दूसरा सर्कल था, सेंटर से सेंटर मिलाया था, ये 5 सेंटीमीटर था और ये कितना था? 3 सेंटीमीटर था। तुम ये प्रूव कर चुके हो कि ए एम और ये पी, ये 90 डिग्री है। इतना तो प्रूव कर चुके हो कि नहीं? और क्या प्रूव कर चुके हो बताओ? यहां से जो बी पे मिल रहा है, दैट इज द कॉमन कॉर्ड, ये दैट इज एम। यहां तक रोहन तुम्हें कुछ समझ में आया? इतनी बात समझ आई? देखो मैं ये भी बता दूं, जो एक सवाल में हो रहा है वो सभी सवाल में भी हो रहा है, यही चीज सब में हो गया, सब में यही होगा। इतना समझ आ गया? और 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 3 है, ये पूरा कितना है? 4 है। अगर ये तो तुमको नहीं पता, तुम खुद ही समझ लो, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है और इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाया और इसको मिला इसको मिलाया, तो अगर पूरा 4 है तो क्या तुमको लगता है मान्या कि ये 2 और 2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि छोटे वाले में तो थोड़ा हिस्सा ही मिलेगा, बड़े वाले में तो बहुत बड़ा मिल जाएगा ना। तो इसलिए तुम 4 में अगर एक तरफ x मानो इतना, तो जो बच जाएगा वो कितना होगा भाई? अगर तुमने इतने को x मान लिया तो ये कितना हुआ? 4 माइनस x, उतना कम करना पड़ेगा ना। तो दूसरी तरफ क्या हुआ बोलो? 4 माइनस x। इतनी बात सही है? अब तुम्हारा काम बन जाएगा, तुमने सही चीज मान ली। चेक करो, ये बताओ इस पे तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा। पाइथागोरस का मतलब है कि पी एम स्क्वायर और प्लस बोलो एम स्क्वायर या एम स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर है, लेकिन तुमने पी एम कितना माना है? एक्स माना, एक्स स्क्वायर। एम कितना माना? कुछ नहीं माना। और बताओ पी ए क्या 5 स्क्वायर? तो ये मुझे बताओ कि ए एम स्क्वायर कितना हो गया? सही है, जो तुमने यहां किया वही पाइथागोरस यहां भी लगाओ, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, यही तो हाइपोटेनियस होता है। तो करो, बताओ ए एम स्क्वायर और प्लस ए क्यू है, क्यू लिख लो, प्लस एम क्यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? सही है, जरा वैल्यू बताओ सर। एम स्क्वायर को कुछ ना करो, प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है। वो सब लिख सकते हैं, अभी हमने सिंपली लगाई है। यहाँ बताओ एम स्क्वायर किसके इक्वल है? 9 माइनस और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, देखो ये भी चीज इसके इक्वल और ये भी चीज इसके इक्वल, तो क्या आर दीज इक्वल टू वन अनदर? दैट मींस 25 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 9 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट के अंदर खोलो, बाद में माइनस लगा देंगे, तो 4 का स्क्वायर करो, 16, तो 4 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, बिल्कुल वही फार्मूला लगाया है, दैट इज 2 ए बी। सही है, अब हम इसको माइनस खोल देंगे, देखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 8 एक्स। यहाँ तक की बात सही है कि प्लस कर दें? प्लस कर दें। अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर कट गया क्या? कट गया।
दोनों तरफ मान लिया प्लस आके कट जाएगा। अब बताओ ये 25 है और ये कितना हुआ? 25 दैट इज माइनस 24 9 माइनस 4 माइनस 6 इतनी बात हो गई। सो दैट कम्स एज हाउ मच इट कम्स माइनस 7 माइनस 7 और बाकी सही है ना। दैट इज x स्क्वायर प्लस am स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और यहां पर क्या है am स्क्वायर और 4 माइनस x स्क्वायर 9 माइनस 4 यहां पे कुछ भी हो। चलो अब इधर करें ओके। चलिए सो तो बोलो 32/8 क्या हो गया x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यानी उन्होंने कह दिया कि x ही 4 है। x कितना है? अगर x x तुमने किसे माना तो ये 4 है तो फिर 4 माइनस 4 0 हो गया। ऐसे में डायग्राम कैसा बनेगा कि 5 सेंटीमीटर है और दूसरा बताइए क्या है, दूसरा है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यानी ये जो ट्रायंगल है ये इसके सेंटर से ही पास हो रहा है। अभी बता देते हैं उसकी कोई इशू नहीं है ना, भी बनाओ लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये बना लिया इसका सेंटर से ये सेंटर, ये कितना है? ये 5 है, ये कितना है? ये 3 और ये कितना हो गया? 4 और ये कॉमन क्वाड भी, इसकी अभी जरूरत नहीं दूसरे के। इतना तुमको समझ में आ गया x 4 है, हमको क्या लेना देना कैसे डायग्राम बनना, बस x 4 है सही है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, x की वैल्यू तुमने कितनी निकाली बोलो? क्या तुम अब इतने से समझ सकती हो कि ये अगर 5 है और ये 4 है 90 डिग्री तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कितना होगा? 3 होगा। हम करके दिखाते हैं, वैसे होता है ना 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है मालूम है। और क्या ये चीज तुमने कहीं प्रूव की थी कि ये इसका आधार अभी उधर तो ये 3 हुआ तो पूरा कितना हुआ? सही है। चलो अब इस चीज को करने जाने, x 4 आ गया। अगेन तुम ए, ये कौन सा पॉइंट है? APM इन ट्रायंगल APM पाइथागोरस थ्योरम लगाओ प्रद्युम्न, क्या करोगे बोलो? PM स्क्वायर और प्लस AM स्क्वायर, या कुछ ना करो इसी में वैल्यू डाल दो, इसको इक्वेशन में डाल दो ना। तुम्हें PM पता चल चुका है क्या? तो इस फर्स्ट इक्वेशन में जरा वैल्यू डालो, नहीं डालो फिर से लगाना, फिर से लगाना एक ही बार। तो PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर क्या हो गया बताइए? AP स्क्वायर। अदिति समझ में आएगा PM कितना है? 4 आ गया। तो 4 स्क्वायर और प्लस AM स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। तो बोलो AM स्क्वायर कितना हुआ? 25 माइनस 16 तो AM स्क्वायर इज 9। तो AM की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 9। AM इज इक्वल टू 3 सही है। अब AM 3 सेंटीमीटर हो गया तो 2 AM कितना हो गया? नाउ 2 AM निकालो, इट इज 6 सेंटीमीटर। लेकिन 2 AM ही तो AB है, 2 AM को लिख लो AM प्लस AM इट इज 6 सेंटीमीटर। लेकिन अभी तुमने देखा था ना AM ही तो BM है, प्रूव किया था कि नहीं? AM किसके इक्वल था? इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। सिर्फ यही सवाल करना है तुमको, इतना करो फिर दूसरे मेथड से कराएंगे, तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी, सर्कल में खेलोगे। पहले एक करो फिर कहीं ना समझ आए हमें बुला लेना, हम बता भी देंगे। चलो
कुछ ज्यादा नहीं है, समझो ट्रिपल एस 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 इतना तो है। जैसे ही तुम एस एस लगाओगी, एक तो तुम एंगल लगा देना, एंगल इक्वल, और एक इस पर साइड इक्वल सीपीसीटी से एंगल इक्वल करने पे लीनियर पेयर कर देना, लीनियर पेयर से ये 90 डिग्री आ जाएगा, डायग्राम छोड़ देंगे, और फिर तुम इसको 4 के बाद ये भी छोड़ देंगे, इसको x ले लेना और इसे 4 माइनस x, भाई दो हिस्से है ना 4 के, एक को x, और फिर दो बार पाइथागोरस लगा, दो बार पाइथागोरस में am एक तरफ छोड़ना, तभी तो कंपेयर कर पाओगी, और दोनों जो बचे हुए चीजें हैं उनको इक्वेट करके x आते ही फिर से पाइथागोरस, x आते ही चाहे इसमें वैल्यू डाल दो तो फिर से लगा दो पाइथागोरस, सही है। ये मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ ये व्योम का मेथड है, व्योम तुम्हें मालूम था, जैसे ही मैंने फिगर बनाए उन्होंने कहा बोला ये सर ये तो काइट निकला, तो इसका मतलब है कि ये इस सवाल को उसी तरह से करते रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या बताइए, देख लो, देख लीजिए फिर कर लीजिएगा, अपना सवाल कर लीजिएगा, दो मिनट में मेथड देख लीजिए, बताओ पी ए किसके इक्वल है, पी बी और क्यू ए किसके इक्वल है, क्यू बी, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए तो क्या होता है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या होता है, और काइट के क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ काइट क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो इससे क्या होगा, सो पी ए क्यू बी इज काइट एंड डायगोनल्स ऑफ काइट क्या होते हैं, ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर, बात सही है, अगर परपेंडिकुलर है तो तुम ये मुझे बताओ कि एरिया ट्रायंगल पीएबी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, अच्छा बेस कितना है, क्या 4 है और हाइट एम है, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई, क्या तुमको अदिति ऐसा भी लगता है कि इसका एरिया हम हेरॉन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, सही है, इसी का एरिया तुम ऐसे भी निकाल सकती हो, इसी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकती हो, लेकिन यहाँ पर एस है क्या बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 बाई टू तो दैट इज 12 बाई टू, तो बोलो 6 है, तो अगर इसी में मैं रूट में 6 रख दूं, 6 माइनस 5 रख दूं, 6 माइनस 4 रख दूं, 6 माइनस 3 रख दूं, तो उधर कितना बचेगा, क्या 2 am आ जाएगा, और यहाँ रूट में क्या आएगा बोलो, 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इट इज 2 am, That is 6 into 6 का root, it is 2 am, तो 6 is equals to 2 am, तो am कितना आ गया, 3 centimeter, फिर उसके आगे लिख देना कि जो जैसे तुम्हारा am आया है, अगर वही चीज यहाँ भी लगा दो तो क्या ये भी 3 ना आ जाए, क्यों, क्योंकि वही सब तो sides हैं, 4, 5 और 3, so similarly bm is also 3, और add करने, भाई वही चीज तो उल्टी में भी बन रही है, तो क्या लिखोगे कि सिमिलरली BM इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो बताओ AB क्या है, AM प्लस BM दैट इज 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये व्योम के मेथड के नाम से जाना जाए, क्यों, फिर से समझो, काइट है, काइट परपेंडिकुलर कट कर रही है, अगर परपेंडिकुलर ये तो होता है ना काइट के डायमेंशन, इतनी बात मालूम है, एट्थ में भी पढ़ा था, तो अगर ये परपेंडिकुलर कट रहा है तो फिर ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट समझ में आया, इसका एरिया इस वाले का एरिया, लेकिन अगर तुम इस पे हेरॉन्स फार्मूला लगाओ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 और 4 और 3 से बोलो 6 आ गई, वही चीज यहां लगा दो, लगाने से देखो वही सब लगाया है, 6 माइनस 4 6 माइनस, तो यही चीज 6 इंटू 6 आ गई, बाहर 6 आ गया और 2 से कट के 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, सही है, तो इतना ही रखो।
वो चला गया, आयुषी चला गया।